भाइयों और बहनों, हम उस राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में पले बड़े हैं जहां खुद से बड़ा दल और दल से भी बड़ा देश होता है। यहीं की संतान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों को हमने आत्मसात किया है। हमने भारतीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सबका साथ सबका विकास का रास्ता अपनाया है। साथियों, निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से सेवा का ही परिणाम है कि आज भारत की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान को लेकर दुनिया पहले से कहीं अधिक चर्चा कर रही है। आर्थिक रूप से एक सशक्त देश के रूप में हम उभर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि 21वीं सदी का युवा आज देश को 2014 से पहले के दौर में वापस भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये वो दौर था जब आए दिन घोटालों की खबरें अखबार में छाई रहती थी। ये वो दौर था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ देश सड़कों पर उतरा हुआ था। ये वो दौर था जब आए दिन बम धमाकों की खबरें हिंदुस्तान को परेशान करती थी। ये वो दौर था जब महंगाई की दर चरम पर थी और विकास की दर धरातल पर थी। 2014 से पहले देश घोर निराशा और अविश्वास के दौर में था। साथियों, इस स्थिति को बदलने के लिए ही आपने एक मजबूत सरकार चुनी, इस सेवक की सरकार चुनी। आपके इस सेवक ने पूरी निष्ठा से देश को आशा और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। आज देश के युवा साथी को विश्वास हुआ है कि उनके सपने और आकांक्षाएं पूरे हो सकते हैं। आज गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि सरकार गरीब की भी बात सुन रही है। जब गरीब को अपना घर मिलता है, शौचालय मिलता है, मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था मिलती है, घर में बिजली आती है, सड़क मिलती है, तब उसको विकास का विश्वास होता है। यही कारण है कि देश का युवा आज मोदी के साथ खड़ा है।